मैं आई हूँ ग्राफ वगैरह। तो यहाँ से हम ले रहे हैं सोया चाप। सब्जियों से मैंने पूरा फ्रिज भर दिया है। तो आज थोड़ा सा धूप दिख रही है, कभी बादल आ रहा है कभी धूप दिख रही है। तो फाइनली मेरे गेहूं धुल चुके हैं। तो दोस्तों अभी हम बना रहे हैं यहाँ पर, चावलों को फ्राई कर रहे हैं। तो दोस्तों मैंने अपना कूलर भी ठीक कर दिया है, यहाँ पर तार भी लगा दिया है। इसमें कूलर में तार नहीं था तो तार भी लगा दिया, उसमें टेप भी लगा दिया है, बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रखा है प्रॉपर। और इसमें मैंने प्लग लगा दिया है, ये देखिए एक प्लग मैंने इसमें लगा दिया है, एक प्लग मेरा मिक्सी का टूटा था वो लगा दिया है, और कूलर में मैंने तार लगा दिया। तार काफ़ी लंबा हो गया है तो मैं इसको फोल्ड कर दिया है, कोई नहीं। तो ये काम चल गया अभी गर्मी में, क्योंकि एक कमरे में तो एसी है तो सब जने उसमें नहीं सुखा दें, तो इस कमरे में हो गया अभी कूलर। तो अभी मैं आई हूँ ग्राफ वगैरह कैंपस के ऑफिस में, और गर्मी काफ़ी हो गया, अभी बहुत तेज़ गर्मी हो रही है। ऊपर है ग्राफ वगैरह कैंपस ऑफिस, ऑफिस ही लगी अभी गाड़ी लेने के, गाड़ी नीचे पार्क कर रखी है, चलते हैं वहाँ पर जाने आ गए। तो माधव ने खाना खा लिया है। माधव आपने खाना खाया? खाया आपने खाना? आपने खाना खाया? हेलो दोस्तों, तो अभी हमने खाना खा के हम तो आराम करने लग गए हैं थोड़ी देर। अरे कितना हिलता है यार बेटा तू, खाना अभी नहा के आया है जस्ट। कैसा लग रहा है नहा के आए में? मज़ा आ रहा है ना? नहीं नहाने वाला लड़का है, नहीं नहाने वाला। तो यहाँ से हम ले रहे हैं सोया चाप, और आज मैं और निहारिका आए हैं सब्जी लेने के लिए। मैं बहुत सारी सब्जियाँ लेके आ गई हूँ। कितने का है? 150 का। और अभी हम हैं अपने घर के पास ही, क्या बताएं आपको कहाँ पर हैं। तो मैं आई हूँ सब्जी लेने के लिए, मेरे को नीचे सब्जी का बैग है, मैं हूँ साथ है निहारिका। तो कैसे आराम से बैठ गई आप? बनाना सेक पी रही हूँ घर आके, बच्चों ने बनाना सेक बनाया है, खाना भी पी रहा, सब लोग पी रहे हैं। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम और मैं आई हूँ अभी छत में गेहूँ धोने के लिए। तो आजकल ना थोड़ा सा जो पहाड़ियाँ हैं वो थोड़ा सा क्लियर दिखने लग गई हैं, और धुआं जो है वो छटने लग गया है। मेरे को लग रहा है अब जो है वो आग जो है वो पहाड़ों में बुझ गई है शायद। ऊपर नैनीताल साइड को तो अभी भी बहुत धुंध दिख रही है उधर साइड को, लेकिन इधर इधर अभी थोड़ा सा पहाड़ियाँ दिखने लग गई, जो कि बीच में बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। और अभी मैंने इतने गेहूँ धो दिए हैं, जो मेरे पिछले साल वाले थे वो ये मैंने धो के पहले डाल दिए थे। और यहाँ तो यहाँ पर मैं धो रही हूँ जो इस बार के नए गेहूँ हैं, ये मैंने सुबह भिगा के रख दिए थे, और इनमें ना बहुत ज़्यादा धूल धक्कड़ हो रही है। बाकी तो गेहूँ साफ़ है, लेकिन थोड़ा सा इनमें क्या मिट्टी हो रही है, तो इनको धो के। तो आज थोड़ा सा धूप दिख रही है, कभी बादल आ रहा है कभी धूप दिख रही है, तो मेरे को लग रहा है सूख ही जाएंगे गेहूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस भयंकर गर्मी, तो गर्मी में सूख ही जाएंगे, और काफ़ी तेज़ लग रही है धूप, इसमें सूख ही जाएंगे गेहूँ। तो डाल देती हूँ फटाफट धो के, और नीचे भी गेहूँ धो के आई हूँ मैं। ईजा के पास भी थे थोड़ा सा गेहूँ 10-12 केजी, वो भी मैं धो के नीचे डाल के आई हूँ। अभी वो भी मेरे को छत पे ही लाने हैं दोबारा से। तो यहाँ से ये देखिए, तो मैं गेहूँ धो के रखाई थी, और जेठानी जो है वो लेने के लिए लेके आ रही है ऊपर, मैं तो धो के डालाई थी। अब मैं डालती हूँ अपने वाले गेहूँ। सब्जियों से मैंने पूरा फ्रिज भर दिया है अपना, बहुत सारी सब्जियाँ लेके आ गई हूँ, सीजनल सब्जियाँ, ठीक है। मैं आज आपको दिखाई है, बहुत प्यारी प्यारी तोरी हैं, जैसे कि मुझे आजकल बहुत पसंद आ रही तोरी, और बैगन हैं, तोरी हैं, टमाटर हैं, और बीन्स हैं, मटर हैं, नींबू हैं, अदरक है, कद्दू देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारा सा, ये देखिए तब प्यारा कद्दू है, टमाटर है, खीरे हैं, लौकी मैंने दो कर दी क्योंकि बहुत बड़ी हो रही थी, तो ये सारी सब्जियां हैं। बाकी फ्रूट्स है, तो ये सब मैं बच्चों के लिए लेके आई हूँ अभी बच्चों के खाने के लिए। और ये आलू हैं, तो हफ्ते की तो नहीं कहूँगी क्योंकि मेरी सब्जियों का खर्चा बहुत ज़्यादा है और हफ्ते से पहले ही ख़त्म हो जाती हैं।
कभी एक सब्जी बनती है, कभी दो भी बन जाती है और कभी तीन भी बन जाती है, कोई पता नहीं चलता है सब्जियों का। जिसका जो मन खाने का है वो खाओ भाई, अभी बच्चे खाने वाले हैं, कल को बच्चे इधर हो जाएंगे तो फिर कौन खाएगा, है ना। तो इसलिए हम लोग खाने में कोई कसर नहीं करते हैं और सब कुछ अभी फ़िलहाल बनाते हैं खाना। तो फाइनली मेरे गेहूं धुल चुके हैं और मैंने सब फैला के बढ़िया करके डाल दिए हैं गेहूं। तो ये देखिए इतने सारे गेहूं मैंने धो के डाल दिए हैं। अब मैं चलती हूँ नीचे। आज ना बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई है, सीढ़ियाँ भी धोई मैंने सुबह से और बहुत सारे कपड़े भी धोए। हाँ गर्म हो गया बहुत, आ गई। इनके कितने मज़े हो रहे हैं, खाना टाइम से मिल रहा है, दूध मिल रहा है, सब कुछ, और आराम फरमा रहे हैं। ये देखो और ये देखो, ये देखो पंखे की हवा चल रही है और थोड़ी देर में ये चले जाते हैं एसी वाले रूम में, जब ज़्यादा गर्म हो जाता है तब ये सोफे में बिल्कुल आराम फरमा रहे हैं बच्चे। हनु तेरा नाम है, हनु रोटी खा ली? ये देखिए थोड़ी बहुत थी वो मैंने धो के डाल दी इधर, सूख जाएंगे थोड़ी देर में। ये है हमारा आज बर्थडे बॉय, इसका है बर्थडे आज, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। यहाँ पर बनने लग गई हैं पूड़ियाँ, बोल रही है आज मुन्नू का बर्थडे है यानी बिल्लू का बर्थडे है तो पूड़ी बना देते हैं। बिल्लू के बर्थडे में भी पूड़ी बन रही है खुशी के, बताओ अब हैं। चल बना से बना, मैं तो सब्जी खाती हूँ, रोटी पराठे मैंने बनाए थे सुबह, ये पराठे खा लेती हूँ और माधव को तो भोग लगा देना। स्पैचुलर बोलते हैं तो ये इसने परसों ऑनलाइन मंगा रखे हैं। कितने सारे हैं ये? हाँ ये भी है, ये भी है और तीन चार और हैं, मतलब बहुत सारे हैं ये इसने मंगा के रखे हुए हैं। लेकिन पूड़ी इसमें अच्छी नहीं बन रही है, पूड़ी फूट गई देख ले। तेल सही से गर्म नहीं हो रखा है अभी, ये देख तेल पीला ही दिख रहा है अभी, इसको सही से गर्म कर, सफ़ेद हो जाता है तेल सरसों का जब गर्म हो जाता है तो अच्छे से। इसको गाय के लिए रख दे। तो दोस्तों अभी हम बना रहे हैं यहाँ पर चावल को फ्राई कर रहे हैं, तो हम चावल फ्राई किस तरीके से करते हैं वो आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर जो आपको लाल दिख रही है ये है शिमला, शिमला मिर्च है लाल वाली और बाकी बीन्स है। तो इसमें हम जीरे में घी में इसको करते हैं, घी या रिफाइंड जो भी है, सरसों का तेल भी हो सकता है। तो उसमें हम जीरा डाल के उसके बाद ये सब्जियाँ फ्राई करके फिर इसमें हम चावल डालते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा। तो बच्चे इस तरीके से ना खुश होकर खाते हैं। बाकी दिन की कड़ी बची हुई है और यहाँ पर बन रही है आलू और बैंगन की सब्जी, तो वो चावल है उसको अभी इसमें डाल के फ्राई कर देंगे।